मिल सकती है संविदा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। जी हां, नियमितीकरण को लेकर आया एक नई अपडेट। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य के संविदा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने इशारा दिया है। उन्होंने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए BJP पर निशाना साधा। कहा कि भूपेश सरकार की योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए हो रहे सर्वे पर बड़ी बात कही है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारियों के प्रदर्शन और मांगों को लेकर क्या कहा। तो 6 जुलाई को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कर्मचारियों के हित में इसमें कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। संभावना है कि नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। इस बीच डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा कि सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है। तो वहीं BJP की बड़ी सभाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि BJP सरकारी मंच का दुरुपयोग कर चुनाव का प्रचार कर रही है, जो अनैतिक है, अनुचित है। वे लोगों के बीच आए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता, वे अपनी बात रखे। इनके अलावा डिप्टी CM ने कहा कि आज GST की बैठक ले रहे हैं। जून में GST की एक तिमाही पूरी हो गई। दिल्ली में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में रायशुमारी पर आज की बैठक में चर्चा होगी, जहां विभाग की समीक्षा भी की जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है या फिर नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके साथ ही यदि हमारे चैनल CG36 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फौरन सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा डेली के इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट मिलते रहे। ओके, मिलते हैं ऐसी और अन्य जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।